हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एंड चैनल आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि सब्जेक्ट कोड 165 के के सिलेबस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वेल well, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने अपनी डेट शीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है हम लोगों को रिसेंटली रिसेंटली सी ने बताया कि फोर्थ ऑफ मे से क्लास के टेंग्जाम स्टार्ट होंगे जो तो कि टेंथ ऑफ जून तक का लगभग खत्म हो जाएंगे

Start preparing. Well, right now it is your opportunity. You have a long time in your hands. And if you are not starting the preparation just now, it means you are playing with your future. So there's a complete syllabus background which I'm going to share with you guys. So first of all, we are going to discuss about the syllabus, like how many chapters are there. Kiss which chapter importance, topics, focus and all the things which are most important for you guys before starting the preparation for computers so now let's see well first of all if we talk about a syllabus in our syllabus we just have three units in detail that is we have networking in networking like in most of the books it is given in two chapters that is internet basics and internet services second chapter is cyber ethics that is the like most easiest chapter i guess for you guys and the third chapter is html

वेल well, अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की नेटवर्किंग एज यू कैन सी इस चैप्टर का वेटेज 15 मार्क्स के आसपास का है बट इससे पहले हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम लोग का एग्जाम होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्जाम दो पार्ट्स में है वेल बिकॉज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो भाई जो इसका सब्जेक्ट है उसको पैटर्न को इस तरीके से मेंटेन करा गया है कि ऐसे फिफ्टी मार्क्स की थ्योरी है और फिफ्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल है

इतने सब के बाद ये तो हो गया हम लोग का फिफ्टी मार्क्स का थ्योरी और इसके बाद होगा हो इस में।, तो में, में क्या क्या चीजें करनी है हम लोगों को जो हम लोग की फर्स्ट यूनिट है networking. Networking के बारे में आई गेस सब लोगों ने क्लास सिक्स से लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास सिक्स के सिलेबस में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इंटरनेट के बारे में फिर कुछ चैप्टर्स आए थे यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज इंटरनेट के बारे में और डिटेल्स बहुत सारे टूल्स एंड एप्लीकेशन लाइक यू क्या होती है डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होता है आई पी क्या होता है कुकीज क्या होते हैं एंड ई क्या होता है ब्लॉग्स क्या होते हैं वेबसाइट्स और वेब पेजेस क्या होते हैं सारी की सारी जितनी भी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोगों को एक बारी रीड करनी है समझनी है पढ़नी है डिस्कस करनी है तो सबसे पहला चैप्टर भाई यहाँ पे हम लोग का बनता है इंटरनेट बेसिक्स इंटरनेट बेसिक्स में वो बेसिक टर्म्स वो सारी की सारी बेसिक टर्म्स जो कि इंटरनेट में आती हैं लाइक वेब पेज क्या है वेबसाइट क्या है और वेब सर्वर क्या होता है सर्वर क्या होता है क्लाइंट मशीन क्या होती है आईपी एड्रेस क्या होता है ये सारी की सारी बेसिक चीजें जिसमें हम लोग अपने नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में या इंटरनेट के बेसिक्स के बारे में समझ रहे हैं

वो सारी चीजें जो हम लोगों को इंटरनेट से मिल रही हैं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट पे डेटा शेयरिंग के लिए कम्युनिकेशन पर्पस के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए तो अगर व्हाट इज ईमेल एड्रेस व्हाट आर ब्लॉग्स आर न्यूज व्हाट आर वेबसाइट्स लाइक अ नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर कुछ यहां पे इस तरीके से सिंपल सिंपल सी चीजें हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं उनके कंपोनेंट्स हैं

then you have the like basic things about url email blog domain naming system that is termed as dns and then we have search engine and its components ye cheezon to beta hum logo ke tips pe hone chahiye matlab you must have to prepare all these topics now let's move to our second unit that is cyber ethics You must be thinking कि मैंने इसको यूनिट को सेकंड नंबर पे क्यों रखा है Because अगर हम लोग syllabus की बात करेंगे तो इन्होंने इसको नंबर थ्री पे रखा है but अगर बीच में देखो तो HTML आ जाता है

तो ये साइबर इज अ वेरी इजी चैप्टर यहाँ पे हम लोग बहुत सारे रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम लोगों को सेव कर रही है विल सेव 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 यू यू लाइक लाइक और और योर डेटा ऑन एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम तो सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है भाई यहाँ पे कि क्या क्या प्रोसेस है जिससे हम लोगों का डेटा कोई भी इंडिविजुअल स्टील कर सकता है या हैक कर सकता है

अगर तुमने इसको पढ़ लिया कैन से तुम्हें मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं टेन मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं अब बात करते हैं भाई थर्ड यूनिट की जिसको हमने लास्ट में रखा हुआ है and and अभी हम लोगों ने देखा कि थ्योरी के पेपर में भाई ये जो यूनिट है हम लोगों की

उस तो ट्वेंटी मार्क्स की थ्योरी को सारे टैक्स के बारे में पता होना चाहिए सारे एट्रीब्यूट पता होने चाहिए और सबका चाहिए अगर तुम्हें सिंटेक्स पता होता है जस्ट गिव यू ट्रिक अपने सारे थ्योरी जरूर से जरूर इंक्लूड करो बिकॉज इफ यू नॉ इंक्लूडेक्सर इकम्प्लीट वन अगर कोई क्वेश्चन और तुमने वहां पे वन लाइन की थ्योरी मैं लेट्स से तुमसे क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन बी आर टाक एंड लाइन अबाउट बी आर की ब्रेक रूल एंड इट इज जनरली यूज्ड फॉर

तो बेटा वहां पे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज एग्जामिनर टू एग्जामिनर कॉपी करेक्शन का पैटर्न चेंज हो जाता है राइट और अगर तुमने यहां पे टैग्स मेंशन नहीं करी है सिंटेक्स मेंशन नहीं करा है एटीट्यूट मेंशन नहीं करे हैं तो एच के सारे के सारे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अगर कोई भी क्वेश्चन टू मार्क्स का है या थ्री मार्क्स का है तो वहां पर सिंटेक्स कंपलसरी है क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कोई भी बट यू मस्ट हैव टू राइट इट इट इज कंपलसरी फॉर यू इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पेटेक्स मेंशन कर रहे हो एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट तो उस टाक्स का मेंशन कर ही दो अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया तभी भी कम से कम एक एट्रीब्यूट को सेंटेक्स में शो कर दो तुम एक्सप्लेन मत करो उसके बारे में थ्योरी ज्यादा फाइन तो अगर कोई भी क्वेश्चन टू या थ्री मार्क्स का है भाई तो वहां पर तुमको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है सेंटेक्स लिखना है एट्रीब्यूट के बारे में बता देना है अगर तुम बेटा इतना कर रहे हो देन ओनली यू विल गेट टू और थ्री मार्क्स कंप्लीटली अदरवाइज यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज्यादा है मिलने से भी प्लस बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीजें हैं तो बहुत सी बार बच्चों की थ्योरी अच्छी नहीं होती है उन लोगों को टैक्स के बारे में पता होता है अगर तुमको थ्योरी नहीं आती है एचटीएमएल के बारे में तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एग्जाम्पल अपने के साथ में एक दो एक दो और साथ में थोड़ी सी थ्योरी जो भी कुछ फ्रेम आउट कर सकते हो भाई वहां पे उसको इंक्लूड कर दो जितना ज्यादा तुम अपने आंसर को कंटेंट कंटेंटरच बनाओगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे लिए मार्क्स गेन करने में तुमको बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा मार्क्स गेन करना पे फाइन

और टाइम हम लोगों के पास अच्छा खासा है बट उसके लिए हम लोग को आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड प्रिपरेशन जो स्टार्ट करोगे भाई तो उस प्रिपरेशन में एक चीज याद रखना दैट यू आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग कंप्यूटर्स अलॉन्ग कंप्यूटर्स और लाइक अलॉन्ग अदर सब्जेक्ट ऑल्सो यू हैव टू मैनेज दिस सब्जेक्ट ऑल्सो कुछ बच्चे क्या करते हैं कंप्यूटर्स को नहीं पढ़ते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं कंप्यूटर्स को ही पढ़ते हैं दोनों ही अप्रोचेस बेटा गलत है हम लोगों को सारे सब्जेक्ट्स में एक बैलेंस मेंटेन करना है फाइन सो इट मींस यू डोंट हैव टू स्टडी द द सब्जेक्ट फॉर एंटायर डे

अब बात करते हैं भाई प्रैक्टिकल के बारे में कि प्रैक्टिकल का क्या आखिर सीन है यहाँ पे प्रैक्टिकल में करना क्या है सीबीएससी क्या बोल रहा है उनको कुछ प्रोग्राम वगैरह देख करके बनवाया जाएगा कुछ यहाँ पे एंड इसमें कंडीशन बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स विल गेट अ डाइग्राम उन लोगों को एक डायग्राम मिलेगा यानी कि हो सकता है टीचर विल प्रोवाइड यूर क्वेश्चन पेपर विद्रीन शॉट और मे बी ही और

examiner और your subject teacher may ask some questions from you, so you have to be prepared for this thing mentally. Now, at the end of this project, project that uses most of the concepts that have been learned. Well, a 10 marks ka project hai iske baad 10 marks के project में मैंने बताया था कि हो सकता है कुछ website वगैरह का project आप लोगों को मिल जाए, एक website बनाने को बोली जाएगी, तो एक simple सी website बनानी हम लोगों को that will be of 10 marks, fine.

बहुत सी बार लाइक चार पांच बार तो कम से कम देखना ही देखना है और अगर तुमने इन सारी को एक बार तीन से चार बार देख लिया तेन आई की तुम्हारे पास कोई भी डाउट या क्वेरीज नहीं होंगे

डिटेल में फाइन बट डिस्कस कब करेंगे इन द पैरल ऑफ दिस थ्योरी थ्योरी के साथ ही साथ पैरल में तुम लोगों को वीकली कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जहां पे हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स को कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस कर रहे होंगे जिसके थ्रू तुम अपने उस प्रोजेक्ट वर्क को या जो भी तुम लोगों को स्कूल से असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे अभी कंप्यूटर्स में तुम लोग उनको इजीली कंप्लीट कर सको सो आई गेस ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक जरूर करना